हेलो गाइस, वेलकम टू पूरी पढ़ाई। तो आज हम देखेंगे एचटीएमएल कोटेशंस। एचटीएमएल कोटेशंस लगाने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि शॉर्ट कोटेशंस कैसे लगाए जाते हैं। शॉर्ट कोटेशंस के लिए आपको क्यू एलिमेंट का यूज़ करना पड़ेगा। द एचटीएमएल क्यू एलिमेंट डिफाइन द शॉर्ट कोटेशंस। क्यू एलिमेंट का कैसे हम यूज़ करेंगे, जैसे लाइक नीचे एग्जाम्पल लिखा हुआ है। इस एग्जाम्पल को हम यूज़ करके देखते हैं नोट पैड पर। हमने यहाँ पर नोट पैड खोला है। नोट पैड में हम अगर कोटेशंस लगाना चाहते हैं, जैसे कि हम इसमें कोटेशंस लगाना चाहते हैं, तो इसमें कोटेशंस लगाने के लिए हम फ्री से पहले लिखेंगे क्यू, जो कि हमारा स्टार्टिंग टैग है। उसके बाद हम एंडिंग टैग लगाएंगे। एंडिंग टैग हमारा फॉरवर्ड स्लैश क्यू होगा। इसको हम सेव करते हैं, सेव एस। इसे आप किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं। हम इसमें कर रहे हैं टेस्ट 24.html। html इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमें ये html फाइल में चाहिए, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा .html फाइल में। इसको हम सेव करेंगे। सेव करने के बाद इसे हम ओपन करेंगे। ओपन हम करेंगे गूगल क्रोम में, और किसी भी ब्राउज़र में इसे ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पे 23 खुला है ये, यहाँ पर हमें 24 खोलना था। हाँ, यहाँ पे अब देखिए पूरी पढ़ाई। पूरी पढ़ाई के बाद लिखा हुआ है फ्री फुल कॉम्प्रहेंसिव कोर्सेज। फ्री फुल कॉम्प्रहेंसिव कोर्सेज में हमने यहाँ पर डबल कोट्स नहीं लगाए हैं, बट तब भी हमारे पास यहाँ पर कोट्स लगे आ गए हैं। अगर आपको कोट्स लगे देखने हैं, अगर आपको कोट्स लगाना है, तो आप क्या कर सकते हैं, क्यू का यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमारा शॉर्ट कोट्स है। अभी हम देखते हैं कि लॉन्ग कोट्स क्या होते हैं और कैसे यूज़ होते हैं। द एचटीएमएल लॉन्ग कोटेशंस। द एचटीएमएल ब्लॉक कोट एलिमेंट डिफाइंस अ कोटेड सेक्शन। तो ये ब्लॉक कोट, ब्लॉक कोट आपका एक टैग है, जो कि आपका लॉन्ग कोटेशंस बनाने के लिए हेल्प करेगा। ये आपका जो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को हम यूज़ करके देखेंगे नोट पैड पर। नोट पैड हम खोलते हैं। इसके बाद हमारा न्यू 11 ये लिखा हुआ है। लिटिल बिट ऑफ अ प्योर थिंग इज मच बेटर देन अ ह्यूज वॉल्यूम ऑफ द इम्प्योर अडल्ट्रेटेड थिंग्स। ये आपका एक कोटेशन है छोटा सा। इस कोटेशंस को आपको ब्लॉक कोट करना है, BLOCKQUOT। ये आपका स्टार्टिंग टैग हो गया। और एंडिंग टैग लगाने के लिए आप क्या करेंगे, फॉरवर्ड स्लैश ब्लॉक कोट। इसके बाद हम इसे सेव करेंगे, सेव एस। आप किसी भी नाम से इसे सेव कर सकते हैं। हम यहाँ पे कर रहे हैं टेस्ट 25.html। इसको हम सेव कर लेंगे। सेव करते ही आपका यहाँ पर हमारा सेव हो चुका है 25 के नाम से, टेस्ट 25। इस टेस्ट 25 को ओपन करेंगे। ओपन करेंगे हम गूगल क्रोम में, किसी ब्राउज़र में ओपन कर सकते हैं आप। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है अ लिटिल बिट प्योर थिंग इज़ मच बेटर देन अ ह्यूज वॉल्यूम ऑफ द दिस एंड दैट। ठीक है, यहाँ पे आपके स्पेसिंग आ गई है। यहाँ पे आप स्पेस देख सकते हैं, तो ऊपर से स्पेस, थोड़ी सी नीचे से स्पेस, ये सारी स्पेसिंग बना के आपका कोटेशंस लगा देता है। मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ, प्रैक्टिकल एग्जांपल। जैसे आपकी एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट में आप देख सकते हैं सामने नीड समथिंग डिज़ाइन, तो ये कोटेशंस है कि ये लिखा हुआ है। इस कोटेशंस को लिखने के लिए आपको ब्लॉक कोड का यूज़ करना पड़ेगा, और आप सिंपल भी लिख सकते हैं, बट ब्लॉक कोड में लिखेंगे तो आपका आसानी रहेगी और ब्राउज़र भी ईजिली रीड कर पाएगा, और आपका जो डॉक्यूमेंट है वो भी ईजिली रीडेबल होगा। इसके बाद आपको अगर ब्लॉक कोड्स में लिखना है, हमने देखे दो कोट्स, एक शॉर्ट कोटेशंस एक लॉन्ग कोटेशंस। तो शॉर्ट कोटेशन और लॉन्ग कोटेशंस आप प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, जब आप वेबसाइट बना रहे हैं और अपने डॉक्यूमेंटेशन सही करने के लिए लॉन्ग और शॉर्ट कोटेशंस का ज़रूरी यूज़ करें। सो थैंक यू गाइस, मीट मी ऑन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय। योर फीडबैक इज़ वैल्यूबल फॉर ऑल, सो प्लीज़ कमेंट, लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।